छोटे बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और छात्रों में इसरो द्वारा किए गए कार्यों के प्रति ज्ञान और रुचि पैदा करने के लिए इसरो की बस हैदराबाद से गोंदिया में प्रवेश कर गई है और इस बस में चंद्रयान कैसे बना और कैसे बनाया गया इसकी पूरी जानकारी दी गई, अंतरिक्ष में भेजा गया था यह इस बस में दिया गया है। इसी तरह इसरो ने स्कूली जीवन के छात्रों के लिए उपग्रह प्रक्षेपण, विभिन्न उपग्रहों के चंद्रयान प्रक्षेपण और इन ग्रह को अंतरिक्ष में कैसे छोड़ा जाता है इसके बारे में बेहतर जानकारी प्राप्त करने के लिए एक आंतरिक अंतरिक्ष यान सूचना बस बनाई है और यह बस फिलहाल गोंदिया जिले के विभिन्न स्कूलों का दौरा कर छात्रों के मन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने और छात्रों को उपग्रह के बारे में जानकारी दे रही है। इस बस को देखने और इसके बारे में जानकारी लेने के लिए बड़ी संख्या में छात्र यहाँ उमड़ते नजर आ रहे हैं। आम्ही हे जे सगळे मुलं आले आम्ही त्यांना विविध प्रकारांचे अंतरिक्ष बारे मध्ये जानकारी देत आहोत। आम्ही त्यांना रॉकेटचे विविध जे हे आहे पार्ट त्यांचे आम्ही त्यांना दुष्परिणाम किंवा काही उपयोग ते सांगत आहोत आणि त्यांचे कोणते कोणते मोठे मोठे कार्य होणार आणि जे कोणत्या भविष्यासाठी आपल्या भविष्यासाठी चांगले ते सांगत। आज हम लोग ये बस में गए जो कि इसरो से आई है, स्पेस ऑन व्हील्स नाम है जिसका। इसमें हमने बहुत ही अच्छे अच्छे रॉकेट, सैटेलाइट्स, सबके मॉडल्स देखे, उनको उनका वेट देखे, साइज़ देखे और ये चीज़ समझे कि हमारा जो अंतरिक्ष है वो कितना बड़ा है। और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि हमें देखने का ये सब मौका दिया जा रहा है और इससे हमें बहुत ही आगे के लिए अच्छा तैयार किया जा रहा है। आम्ही स्पेस ऑन व्हील्स म्हणजे इसरोची इथे वॅन आलेली आहे आमच्या शाळेमध्ये। इथून खूप सारे शाळेचे मुलं आमच्याकडे आलेले आहेत। आम्ही इथे इसरोचे खूप सारे मॉडेल्स आम्ही इथे त्यांना दाखवत आहोत आणि त्यांना खूप सारी माहिती पण देत आहोत। त्यांना आम्ही हे पण सांगत आहोत की आपण इसरोमध्ये कसे जाऊ शकतो आणि इसरोमध्ये आपले जे फ्युचर आहे ते आपण आपले कसे राहणार आहेत आणि आम्ही त्यांना खूप सारे मॉडेल सॅटेलाइट्स आपण ज्यांना म्हणतो ते आम्ही दाखवत आहोत। त्याच्यामध्ये आम्हाला खूप सारी माहिती पण दिलेली आहे आणि आमचे काही मित्रमंडळी पण आहेत जे त्यांना विविध प्रकारची माहिती जसे की सॅटेलाइट्स कुठून कसा आणि त्याचा वर्ष तो कोणत्या दिवशी झाला होता, त्याच्यामध्ये कोणते कोणते वैज्ञानिक त्यांनी कुठे कुठे साथ दिला आणि त्यांचे खूप सारे इतिहास आम्हाला आम्ही त्यांना माहिती देत आहोत। आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे हे आम्हाला स्पेस ऑन व्हील्स याचा एक मूळ रूप म्हणून हे झालेलं आहे की आम्ही जे मुलं आहोत हे देशाचे भविष्य आहोत आणि देशाचे भविष्य म्हणून आम्ही त्यांना खूप सारी माहिती देऊ आणि देशाच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी आणि वैज्ञानिक बनू म्हणून त्यांना हे माहिती आम्ही देत आहोत आणि त्यांना प्रोत्साहित करत आहोत। ॲक्च्युली ये वॅन इसरो से आई है और ये हमारे प्रफुल्ल पटेल सर के गाइडेंस से हम लोग यहाँ कर रहे हैं प्रोग्राम्स इस चीज़ के लिए आयोजित किए हैं यहाँ मिलिट्री स्कूल में। हमारा सौभाग्य है कि पूरे नेशनल लेवल के इस चीज़ को हम लोग यहाँ अपने मनोहर भाई पटेल मिलिट्री स्कूल के प्रांगण में ऑर्गेनाइज किए। इसके अंदर पूरा चंद्रयान से लेके सब लॉन्चिंग एरिया सब चीज़ दिखाया गया है और एक एक चीज़ का एक एक मॉडल का हमारे बच्चे पूरे शहर भर के शहर के आसपास के गांव भी कंप्लीट गोंदिया डिस्ट्रिक्ट को समझ सकते हैं। वहां से कम 30-40 स्कूलें, 40 स्कूलें तो आज हो गई हैं और भी होने को है और कम से कम 6000 बच्चों को हम लोग अभी तक यहाँ गाइडेंस हो गया है। वो बच्चे आए हैं पूरा यहाँ का सारे मॉडल्स चार्ट्स हमारे बच्चे इन सबको नज़र पे रखते रहे और इन सबको एक्सप्लेन किए हैं और काफ़ी लोग ये भविष्य में तो है इनसे मोटिवेट बहुत हुए हैं। भविष्य में गोंदिया डिस्ट्रिक्ट के आप ज़रूर देखेंगे हमारे साइंटिस्ट इसरो से कुछ ना कुछ ज़रूर होंगे। बहुत बड़ी उपलब्धि है, काफ़ी बहुत नॉलेज भी हुआ और सब इससे काफ़ी खुश हैं। NBC न्यूज़ के लिए गोंदिया से अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट।